महापौर अजय मिश्रा बाबा की लगातार सख्ती के बावजूद शहर में हो रही अवैध वसूली, खुलेआम ये अवैध वसूली किसके द्वारा कराई जा रही है और कौन कर रहा है इसके जानकारी किसी को भी नहीं है। आपको बता दें कि धोबिया टंकी सहित बड़ी पुल, सिरमौर चौराहा, पुराना बस स्टैंड और कई अन्य स्थानों में हो रही अवैध वसूली की भनक लगते ही महापौर ने आगामी 11 तारीख को नगर निगम की ओर से बाजार, बैठकी, पार्किंग स्टैंड सहित अन्य स्थानों में वसूली करने के लिए निर्धारित किए गए ठेकेदारों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। हम आपको बता दें कि शहर के धोबिया टंकी में तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा ऑटो जीप को खड़ा करने के लिए जगह आरक्षित कर कंक्रीट पार्किंग बनवाई गई थी। जहां धोबिया टंकी चौराहे की जगह इस नवनिर्मित स्टैंड में जीप और ऑटो खड़े होने लगे, लेकिन यहां अवैध वसूली का भी सिलसिला तेजी से चालू हो गया। यहां पर ऑटो से 10 रुपये, 20 रुपये जबकि जीप से 50 से 100 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसके एवज में पैसा लेने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। हद तो तब हो गई जब वाहन चालकों ने बताया कि जिसकी दुकान के सामने वाहन पार्किंग बनाई गई है वहां वाहन खड़ा करने पर उसके द्वारा भी पैसे लिए जाते हैं। खुलेआम हो रही इस अवैध वसूली की भनक न तो स्थानीय पुलिस को है, ना ही यातायात पुलिस को, ना ही जिला प्रशासन को है, ना ही नगर निगम को है, फिर भी कई हजार रुपए की वसूली रोजाना खुलेआम की जा रही है। ऐसे ही कुछ अवैध वसूली का कार्य पुराने बस स्टैंड, बड़ी पुल सहित शहर के कुछ अन्य स्थानों में भी खुलेआम चल रहा है, जहां बेनाम लोगों द्वारा निजी व्यक्तियों से खुलेआम महीने में लाखों की वसूली की जा रही है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि खुलेआम भी शहर में हो रही इन वसूली की जानकारी जिम्मेवार विभागों को क्यों नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे से जिम्मेदारों की शय पर ही ये अवैध कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन महापौर अजय मिश्रा बाबा ने 11 तारीख को सभी वसूली ठेकेदारों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें वसूली के नए नियमों से ठेकेदारों के अलावा अगर कोई वसूली करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए जाएंगे। धोबिया टंकी का ये मामला प्रकाश में आने के बाद महापौर ने कहा कि आज ही संबंधित थाने की पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा और वसूली करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कराकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में वाहन चालकों सहित महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। कब चला रहे टैक्सी आप? हम 2014 से यहाँ स्टैंड में खड़ी करने। कितना पैसा लगता है आपका? हमारा यहाँ पैसा नहीं लगता, हमारा 10 रुपये लेते हैं वो लोग बस। वो कौन? अरे यहाँ जो ये गाड़ी लगवाते हैं। कौन लगवाता है? नगर निगम। नगर निगम नहीं लेते, नगर निगम का टैक्स वहाँ लगता है पुठुलिया में, 10 रुपये वहाँ लगता। क्या नाम है? धीरेन्द्र शुक्ला। यहाँ कब से काम कर रहे थे? इसी काम कब से कर रहे थे? 5-6 साल हो गए। अच्छा, यहाँ स्टैंड में कितना पैसा लगता है खड़ा करने का? 20 रुपये। 20 रुपये किसको देते हैं? एक जन और लेते हैं जिसके सामने दुकान है उसके सामने खड़ा करते हैं, उसको देते हैं। अच्छा, एक जन वसूली करने आते हैं दुकान वाले? हाँ। बजे हमने सारे जितने भी ठेके में दिए गए हैं, चाहे वो रानी तालाब का पार्क हो, गंगा वाटिका हो, बाजार बैठकी के ठेकेदार हैं, आपके पार्किंगों के ठेकेदार हैं, फ्लाईओवर की पार्किंग के ठेकेदार हैं, सारे ठेकेदारों की बैठक बुलाई है और उनसे मैं पूछूंगा कि जो आपने बताया है कि धोबिया टंकी के पास गुंडा वसूली हो रही थी, क्या धोबिया टंकी के पास वहाँ पर ठेका दिया है किसी को? अगर नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ़ FIR करवाई जाए, ये नगर निगम के राजस्व विभाग को निर्देशित किया जाएगा। अगर आपके माध्यम से हमें ये जानकारी हुई है, इसकी तत्काल जानकारी हम संबंधित थाने को भी देंगे और अपने राजस्व विभाग को भी देंगे कि जो लोग वहाँ ये कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए।